तो सबसे पहले गाइज मैं आप लोगों को यहाँ पर सर्च करके दिखा देता हूँ कि कैपकट मेरे ऐप स्टोर में शो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ तो अभी आप लोग देख सकते हो गाइज यहाँ पर जो है कैपकट मैंने इंस्टॉल किया हुआ है एंड यहाँ पर और सारे एप्लीकेशन भी शो हो रहे हैं। ओके सो हे गाइज, कैसे हो सभी लोग, आई होप सब मस्त होंगे। सो गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कैसे आप लोग कैपकट को डाउनलोड कर सकते हो अपने आईफोन के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इंडिया के अंदर बैन है कैपकट। सो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए इधर उधर की बातें बंद करते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज आप लोग को क्या करना है कैपकट डाउनलोड करने के लिए, आपको अपने आईफोन को ऐसे ओपन कर लेना है, ठीक है। अब तो वो तो चलाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो अब जैसे ही आप लोग अपने आईफोन की स्क्रीन पे आ जाओगे तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले ऐप स्टोर में चले जाना है। जैसे ही ऐप स्टोर में आ जाओगे यहाँ पर तुम्हें ये जो आपकी आईडी होगी ना, यहाँ पर एप्पल आईडी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से जैसे ही क्लिक कर दोगे भाई उसके बाद आप लोग को यहाँ पर ऐसे टैप कर देना है ऊपर, ठीक है। आप यहाँ पर टैप करने के बाद आप लोग मेरा इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आ रहा, सॉरी गाइज, एंड यहाँ से जैसे मैं इसको अपनी फेस आईडी दे दूँगा आपकी भी मांगेगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के आगे आ जाएगा। आप लोग को गाइज क्या करना है, यहाँ से कंट्री रीजन चेंज करना है, ठीक है। अब कंट्री रीजन चेंज करना है आप लोगों को, सिंपल कंट्री रीजन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो इस टाइप से थोड़ा लोडिंग वगैरह लेगा, उसके बाद यहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है। एंड भाई अगर आप लोग को आईफोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो अभी गाइज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसके बाद जब ऐसे यहाँ पर ये आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ पर आप लोग को लिखा आएगा चेंज कंट्री और रीजन, तो उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ से क्लिक कर दोगे आप लोग को यहाँ पर जो है कंट्री सिलेक्ट करनी है, ऑस्ट्रेलिया या फिर आप लोग यहाँ पर सिंगापुर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप कोई भी कंट्री आप चूज़ कर सकते हो, तो मेनली आप लोग ऑस्ट्रेलिया को चूज़ कीजिए क्योंकि यहाँ पर जो है सभी एप्लीकेशंस चलते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पर ये जो कुछ यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनको आप लोग पढ़ लीजिए अगर आप लोग को पढ़ना है। देन उसके बाद आप लोग को एग्री पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही ऊपर एग्री पर क्लिक कर दोगे आप लोग के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप लोग को सबसे पहले पेमेंट को यहाँ पर नन सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग को अपना नाम वगैरह अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर मेन यहाँ पर भरना है, तो यहाँ पर आप लोग को क्या भरना है, स्टेट में आपको भर देना है सिडनी गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं भर देता हूँ सिडनी, तो ये आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है। एंड आप लोग को सेम ऐसे ही भरना है जैसे मैं भर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भर देता हूँ सिडनी एंड पोस्टल कोड यहाँ पर गाइस आप लोग को क्या करना है, पोस्टल कोड आप लोग यहाँ पर दीजिएगा 7000, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर सिटी आएगी तो सिटी में भी आपको यहाँ पर सिडनी भर देना है, सिडनी, ओके। एंड सिडनी भरने के बाद आप लोग को यहाँ पर जो है स्टेट आएगा तो यहाँ पर आपको न्यू साउथ वेल्स सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, वेल्स। एंड देन उसके बाद डन पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर आता है तो यहाँ पर सेम आप लोग को एज इट इज़ ऐसे ही डाल देना है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एंड इतना करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे डन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इतना कर दोगे तो वैसे अभी क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, देन उसके बाद जो है हमारा जो कंट्रीजन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग को यहाँ पर मेरे को ईमेल भी आ चुका है, अभी यहाँ पर सर्च करके दिखा देता हूँ आपको कैपकट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कैपकट जैसे सर्च करता हूँ तो अभी आप देखना गाइस कैपकट यहाँ पर जो है अभी आ रहा है, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, पहले। तो यहाँ पर जो है कैपकट अभी शो कर रहा है। एंड गाइस बहुत से लोग ऐसे जो फ्री फायर भी डाउनलोड करना है तो उनका फ्री फायर नहीं होता, अभी यहाँ से आप लोग फ्री फायर भी डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर फ्री फायर सर्च करता हूँ तो अभी आप देखना अभी यहाँ पर जो है गाइस फ्री फायर भी हमारा आ रहा है, ठीक है, और पबजी भी आप लोग। तो यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन हो जो कि बैन है इंडिया के अंदर वो आप यहाँ से आराम से इजीली डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो इस मेथड को यूज़ करना एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई भी लोग बोलते हैं कि आपका फ़ोन ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई, कोई भी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि हम लोग सिर्फ कंट्री रीजन को चेंज करके चला रहे हैं, ठीक है। हम किसी का कोई मतलब VPN वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, किसी का कोई लिंक यूज़ नहीं कर रहे जिससे कि हमारा जो है एप्पल का जो फ्रेमवर्क है वो ब्रेक होगा एंड हमारा डाटा चोरी होगा, ठीक है। सो बस ये चीज़ जान लो आप और इस मेथड को यूज़ करो एंड इंजॉय करो। सो आज की वीडियो में गाइस आप लोग को इतना बताना, तो चलता हूँ गाइस अगली वीडियो में फिर मिलूंगा आप सभी लोगों से, तो तब तक के लिए टाटा एंड